हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टडी में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, मतलब इसका हम सबसे मेन तो यही है कि भी पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है इस बार की एग्जाम में। 2 ओवर के साथ 50 मार्क का जो पेपर होने वाला है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भाई इसके जो IMP लेटर्स है वो बैंक लेटर, और साथ में जो टॉपिक है सॉफ्ट स्किल का उसमें क्या याद करना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं भाई इस बार की जो एग्जाम का पेपर पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि CC के अंदर सबसे मेन ज्यादा कंफ्यूजन होता है और ये सबसे इजी टॉपिक भी होता है, मतलब इजी सब्जेक्ट भी होता है, अगर अच्छे से प्रिपरेशन की है तो इसमें हम अच्छे मार्क अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर 1 से लेकर जो 4 क्वेश्चन मिलने वाले स्टार्टिंग के अंदर वो सारे के सारे सेम मार्किंग के होंगे। सेम मार्किंग मतलब क्वेश्चन 1 भी जो रहेगा वो हमारा 20 मार्क का रहेगा, तो सेम इसी तरह क्वेश्चन 2 भी हमारा 20 मार्क का होगा। मतलब आपको पता चल गया कि स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो सेम मार्किंग के होने वाले, और ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें हर एक का फिक्स है कि भाई पहला क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 में से आएगा, दूसरा क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 में से आएगा, तीसरा क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में से आएगा, चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में से आएगा। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हो, मैं पेपर पैटर्न समझाने जा रहा हूं आपको। तो देखिए अब होता क्या है कि 20 मार्क डिवाइड कैसे होने वाला है, तो क्वेश्चन 1 रहेगा ना उसमें आपको ए और बी करके 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। आप जानते हैं यूनिट नंबर 1 पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर हमको टेक्स्ट है, ठीक है, ये आप जरूर जानते होंगे, बुक देखा होगा आपने। तो पहला जो ए रहेगा वो आपको क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कितने दिए होंगे, कितने लिखने और कितने मार्क के होंगे, तो टोटल मार्क यहाँ पे जो आने वाले 12 मार्क होने वाले। आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने 4 क्वेश्चन, कितना अटेम्प्ट करने 4, और आपको आउट ऑफ 6 दिए होंगे, 6 या 7 दिए होंगे, आपको अटेम्प्ट ओनली कितने करने, 4 करने, इतना ध्यान रखिएगा। और जो बी रहेगा वो आपको उसी टेक्स्ट में से आएगा पर वो क्या होगा, शॉर्ट नॉट होगी, और वहां पर आपको अटेम्प्ट करनी ओनली 1 और दी गई होगी 3, ठीक है। अब उसके मार्किंग की बात करूं तो आप अटेम्प्ट ओनली 1 ही करना है, आपकी इसके मार्किंग हुई 8 मार्क, तो आप देख लीजिए दोनों को मिला के आपके 20 मार्क कंप्लीट हो जाएगा। आई होप समझ गए। तो फटाफट चलते हैं, जो क्वेश्चन 2 रहेगा यूनिट नंबर 2 में से आएगा, जो आप जानते ही है हमारा यूनिट नंबर 2 क्या है, यहाँ पर सॉफ्ट स्किल, अगर किसी का ओल्ड सिलेबस है तो उसका अलग हो सकता है, वो जरूर देखिएगा, लेकिन मार्किंग सेम रहेगा, सॉफ्ट स्किल में से आने वाला। अब यहाँ पर क्या है, हमको 2 सॉफ्ट स्किल के बारे में शॉर्ट नोट लिखनी रहेगी, आपकी बुक में आई थिंक 6 या 7 दी गई है, तो उसमें IMP क्या याद करना मैं अभी बाद में बताने वाला हूँ। आपको 2 रैंडम करना होगा आउट ऑफ 3, आपको 3 टॉपिक दिए गए होंगे उसमें से 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना रहेगा, सॉफ्ट स्किल का जो भी टॉपिक होगा। ये डायरेक्ट हमारा जो है 10-10 मार्क करके कितना हो जाएगा, 20 मार्क होने वाला है, ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। उसके बाद बताओ चलते क्वेश्चन 3 की ओर, जिसमें आपका लेटर है ओल्ड और न्यू दोनों में सेम सही है, बैंक लेटर है। अब बैंक लेटर आपको 2 देखने को मिलेंगे एक दूसरे के और में, मतलब आप चाहो दोनों में से कोई भी एक बैंक लेटर के टॉपिक पर लिख लीजिए, वो डायरेक्ट आपका 20 मार्क कवर हो जाएगा। इसमें क्या IMP वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। लास्ट क्वेश्चन 4 थोड़ा इसमें डिवाइड ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें वोकेबली होती है आप जानती है, तो इसमें ए और बी करके 2 आने वाले, और दोनों जो टॉपिक है वो आपके वोकेबलरी में से आने वाले, जिसमें आपको वर्ड्स दिए गए हैं दोनों उसी में से आने वाले। अब यहाँ पर किस तरह से पहले सेक्शन में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा, पहले में मैच द फॉलोइंग आएगा, मैच करने का टॉपिक आएगा जो कितने मार्क का होने वाला है, मैच करने का टॉपिक डायरेक्ट 14 मार्क का होने वाला है, तो आपको कितने मैच करने रहेंगे, 7 मैच करने रहेंगे, तब जाके इसका 14 मार्क हो जाएगा, ये होने की गारंटेड है, ठीक है। अब ये दूसरा जो बी रहेगा वो भी वोकैबुलरी में से भी आएगा, लेकिन उसमें गिव द मीनिंग होगा, जो वर्ड्स दिए गए होंगे उस वर्ड्स का आपको मीनिंग लिखना है। अब कितने रहेंगे, तो 14 यहाँ पे होंगे, तो बाकी कितने मार्क बचे, 6, तो यहाँ पर आई थिंक कितने टॉपिक आपको लिखने रहेंगे, 3 टॉपिक लिखने रहेंगे, पर दिए गए होंगे आपको 6 दिए गए होंगे, आपको राइट डाउन करने होंगे 3 टॉपिक के ऊपर आपको मीनिंग लिखना रहेगा, तो बहुत इजी रहेगा ये भी। अब आपको मैं बता दूं स्टार्टिंग में जो 4 हो गए यहाँ पर, उसमें चारों 4 नहीं करने, कोई भी 2 करने, कितने करने, ओनली 2 आपको अटेम्प्ट करने, कोई भी, मतलब चाहो तो फर्स्ट अटेम्प्ट करो 3, 2 या 4 कोई भी, तो आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। देखिए एक बैंक लेटर का टॉपिक तो पढ़ ही लीजिएगा, बहुत ईजी है यार, अगर चाहो तो फिर सेकंड सॉफ्ट स्किल ले सकते हो, यहाँ पर जिसको टैक्स अच्छे से आता है वो टैक्स कर लीजिएगा, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे 40 मार्क कवर
कवर हो गए, लेकिन 10 मार्क अभी भी बाकी है, क्योंकि वो 10 मार्क जो है क्वेश्चन 5 में आने वाला है, और 10 मार्क वो एमसीक्यू आने वाला है। क्या आने वाला है? एमसीक्यू आने वाला है, कंप्लीट टेक्स्ट में से आएगा। किस में से आएगा? ये जो आप देख रहे हो टेक्स्ट, उसमें से एमसीक्यू आने वाला है 10 मार्क के। अब यहां पर आपको एमसीक्यू ज्यादा देखने को मिलेंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 एमसीक्यू। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5, लेकिन दिए गए होंगे 10 एमसीक्यू दिए गए होंगे। जिसने 5 अटेम्प्ट करने हैं तो हर एक के कितने मार्क होंगे? 2 होंगे, तो आपके 10 मार्क कवर हो जाएंगे। तो यहां से देख लीजिए, ये 10 और ये 50 मार्क आपके हो गए कवर। तो ये मैंने रफली आपको समझा दिया पेपर पर, आई होप समझ गए होंगे, या मैं स्क्रीन शॉट उसका दे दूंगा, आप अच्छे से उसको देख लीजिए। अब आते हैं फटाफट यूनिट नंबर 2 और 3 में से आईएमपी क्या याद करना चाहिए उसकी डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे और सारे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं पहले आते हैं यूनिट नंबर 2 और 3 में से 20 मार्क का, पहले बैंक लेटर की बात कर लेता हूं मैं। देखिए हमें 7 टॉपिक दिए, अब इसमें 2 आने वाला एग्जाम में, लिखना 1 है। तो आपको बता दूं, ज्यादा याद कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक तो याद करना है कि भाई इसमें कौन सा टॉपिक लिखना है, बाकी सारा ऊपर नीचे एड्रेस का काम तो सेम ही रहने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करना है वो 4 याद कर लीजिए। कितने याद कीजिए? 4, जिसमें से कोई भी एक तो गारंटेड मिल ही जाएगा। मैं आपको 3 आईएमपी बताने वाला, पर 4 याद करना जरूर। देखिए फर्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बैंक से रिलेटेड, वो स्टॉप द पेमेंट। अचानक चेक हमने दे दिया लेकिन उसका पेमेंट स्टॉप करना, तो वहां रीजन बताना है आपको कि यहाँ पेमेंट स्टॉप क्यों करना। कोई भी रीजन आप दे सकते हो, जरूर नहीं कि बुक में जो छपा वही रीजन लो, आप कोई भी वैलिड रीजन बता सकते हो। उसके बाद सेकंड टॉपिक है यहाँ पर सोशल वेलफेयर के बारे में, आप क्या करो बैंक से सॉफ्टवेयर ले रहे हो, कोई भी आपकी एनजीओ चला रहे हो, कुछ भी आपका सोशल वर्क कर रहे हो, उसके लिए बैंक से आप लेना चाहते हो सपोर्ट, ये सेकंड टॉपिक। और तीसरा टॉपिक यहाँ पे लॉस हो जाता है आपका कोई डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये जनरल इश्यू है जो बैंक को ऑलवेज फेस करने पड़ते हैं। तो ये 3 टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा एक जरूर याद कर लीजिए जिसमें बहुत ईजी है, ये रूड बिहेवियर ऑफ बैंक एम्प्लॉय। आप जानते हैं भाई गवर्नमेंट बैंक में हमारा जो यहाँ के एम्प्लॉय होते हैं उनके साथ कैसा बिहेव होता है, उनका रूड बिहेवियर, तो ये टॉपिक भी इजिली पूछे जाने के चांसेस है। 4 याद करने जरूर है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक मैंने यहाँ पे टिक कर लिए, अब यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, उसमें से एक तो मिल ही जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर सॉफ्ट स्किल पे, यहाँ पर 6 दिए गए, आपको लिखने 2 है, तो इसमें भी आपको 4 याद तो करने पड़ेंगे। अब इसमें देखिए कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बोल सकते हैं यही आएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक एक ना एक बार तो आ चुका। तो मैं आपको एक लॉजिकल एक अच्छा सा समझा देता हूँ करना क्या चाहिए। इसमें आप चाहो तो ऊपर के 3 याद कर लो या नीचे के 3 याद कर लो। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई आप सलंग ऊपर के 3 याद करते हो उसमें से आपको मिल ही जाता है, या नीचे के सलंग 3 याद करते हो तो उसमें से मिल ही जाता है कोई ना कोई। तो देखिए क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे उसके पीछे लॉजिकल मेरा माइंड क्या कहना चाहता हूं मैं। तो आप क्या कीजिए, मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के 3 पहले पढ़ लीजिए। मैं आपको 3 के सजेशन दूंगा, वो भी स्टार्टिंग है, क्योंकि वो एथिक और लीडरशिप ये दोनों बहुत ही खास टॉपिक है सॉफ्ट स्किल को लेकर। कोई भी बिजनेस के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी और बिजनेस का एथिक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे। स्टार्टिंग के 3 याद कर लीजिए, और एक और याद करना ना आपको तो है टाइम मैनेजमेंट याद कर लीजिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। बाकी देखने के लिए तो आप कोई भी एक बार देख के ऊपर से जा सकते हो, इसमें कोई ज्यादा नहीं, नेगोशिएशन स्किल भी बहुत इजी है। बट मैं फोकस आपको बता, स्टार्टिंग 3 तो रख ही देना, ये 3 स्टार्टिंग याद कर लेना, फिर आपको अच्छा लगे तो टाइम मैनेजमेंट भी याद कर लीजिएगा। तो यहां पर आपके दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके बाद यूनिट 1 है जिसमें आपको टैक्स भी लिखना, क्वेश्चन आंसर भी लिखना, उसमें शॉर्ट नोट भी लिखना। ये तो अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इसकी स्टोरी रीड कीजिए, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट नोट, और इसी में से आएगा एमसीक्यू। तो अब आप देख लीजिए 3 में से कोई भी 2 आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर सारा टॉपिक कवर हो चुका है। आज की वीडियो में फिर भी क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट करना है, नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में मुझे आप कमेंट करके बता दे सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी न्यू वीडियो में। थैंक यू।